गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया मतलब कि कौन सी चीज़ इंडिया में सबसे पहली बार हुई है। इससे रिलेटेड काफ़ी स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नॉट सीडीएस में कम आते हैं बट अदर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, एफकैट हो गया। सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सीडीएस में नहीं आ सकता, आ सकता है क्वेश्चन बट चांसेस कम है। जो यूपी पीएससी के एग्ज़ाम हैं इनमें इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, इसके अंदर यूके पीएससी के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो पीएससी से रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड एग्ज़ाम है वो भी, और एफकैट तो है ही है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पहले ब्रिटिश कौन थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था, वो थे थॉमस रो। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीडीएस में पूछा गया है प्रीवियसली। तो पहले जो ब्रिटिश थे इंडिया में आए थे वो थे थॉमस रो। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया इज द फायन। कौन है? फायन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहला इंडियन कौन था जो पहुंचा? लेफ्टिनेंट राम चरण फर्स्ट इंडियन है जो कि अंटार्कटिका पहुंचे हैं। फर्स्ट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा पड़ता है हेग में। कुलभूषण जाधव के केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो है बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में मुझे ये लिख के बताओ कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो फर्स्ट था डब्ल्यू सी बैनर्जी, तो मैं ही बता देता हूँ। इनके बाद बने थे दादा भाई नेहरू जी, बट तुम्हें बताना है कमेंट में ये लिख के, ये तुम्हारा टास्क है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडिया में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कब ओपन हुआ था? वो हुआ था कोलकाता में 1727 में। फर्स्ट वैक्स स्टैचू ऑफ लिविंग इंडियन, पहले मतलब उस समय पे महात्मा गांधी जी जिंदा थे तो उनका जब फर्स्ट वैक्स स्टैचू बना था 1939 में, गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। 1948 30 जनवरी 1948 में इनकी डेथ हुई थी। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट लोकसभा मेंबर टू बी इलेक्टेड विद अ रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, सबसे ज़्यादा वोट मिले थे इनके लिए, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, पीवी नरसिम्हा राव फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे जिन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिले। इंडिया फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो याद रखना। इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वो थी नालंदा। कौन सी? नालंदा। पहला मैन जो इंडिया का स्पेस में गया, इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस, राकेश शर्मा, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ एक काफ़ी फेमस वीडियो है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोला था, शायद वीडियो नहीं वॉइस कॉन्फ्रेंस थी, कि सारे जहां से जाए हिंदुस्तान हमारा, तो ये काफ़ी फेमस रहा है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इट इज़ जी वी मावलंकर। जी वी क्वेश्चन आएगा तो जी वी के थ्रू आएगा, जी वी मावलंकर, और ये यूपी पीएससी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज रजिया सुल्तान, ये स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर रही थी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर रजिया सुल्तान इंडिया की फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर रही थी, याद रखना। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, गुलाम वंश या गुलाम वंश हो गया, स्लेव डायनेस्टी हो गया, ममलूक हो गया, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, तो स्लेव डायनेस्टी क्या याद से रखो, स्लेव डायनेस्टी ये आई थी जब 1191 और 1192 के जो दो फेमस वॉर हुई थी, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें फर्स्ट में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, सेकेंड में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो उसके बाद इंडिया में 1210 से स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई थी, जिसमें फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने जिसने सबसे पहले कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। बट इन्होंने शुरू तो किया था पर ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो तुम्हें ये बताना है, सॉरी 1210 नहीं 1206 है, 1206 से 1210 कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज सी राजगोपालचारी। कौन है? सी राजगोपालचारी, ये गवर्नर जनरल या फिर उसे वॉइसरॉय तुम कह सकते हो, दोनों एक ही बात है।
तो इंडिया, इसने इंडियन की बात करी है, आफ्टर मतलब फ्रीडम के टाइम पे इनको बनाया गया था फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एफ कैट में क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया की बात कर, देखो यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, अब इंडिया की बात हो रही है, तो वो है लॉर्ड विलियम बैंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बैंटिक। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, 1857 के बाद जब 1857 की वॉर हुई, जिसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोला जाता है, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो क्या हुआ, गवर्नर जनरल को चेंज करके वॉइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया, उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया वॉइस रॉय में। तो वो जो पहले वॉइस रॉय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये मुझे याद नहीं किस एग्जाम में, बट एक क्वेश्चन आ चुका है, सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हीरालाल जे कनिया, ये यूपीपीएससी 2018 के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये था, जस्टिस हीरालाल जे कनिया, मैंने ये एग्जाम दिया था, मुझे याद है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ आया था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आजाद, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया सैम मानेकशॉ, इन्हें कौन, इन्हें सब जानते हैं, 1971 की वॉर, जो आजकल मैंने एक बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है कि 30-40 हज़ार, 30-40 नहीं, चलो 50-60-70 हज़ार मान लो, 70 हज़ार अफगानिस्तान पे तालिबानी कब्जा करके बैठे हैं, आतंकवादी कब्जा करके बैठे हैं, इसके लिए पाकिस्तान बहुत खुश है, और कह रहे हैं कि अभी हम इंडिया को मजा सिखाएंगे, कश्मीर लेंगे। अबे सबसे पहले तो चीज़ याद रखो कि कश्मीर में तुम्हारे अब्बा जान बैठे हुए हैं, तुम्हें, तुम कश्मीर की बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। दूसरी चीज़, जितने ये टोटल हैं उससे ज़्यादा अगर तुम इतिहास याद करना चाहो तो 1971 याद करो, इससे ज़्यादा हमने तुम्हारे सैनिक अपनी जेलों में रखे थे, सरेंडर किया था तुमने, 70 हज़ार हैं, तुम 91 हज़ार थे, तब भी तुम सरेंडर करके घुटनों पे बैठे थे। तो हमें मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम अगर तुम्हें आना है तो हम अतिथि देवो भव को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर अतिथि तमीज़ से आएगा तो अतिथि को अतिथि की तरह रखेंगे ना, अतिथि को गोली मार देंगे वहीं पर ही, देवो भव कर देंगे तुरंत ही। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंट बैटन, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल एस मुखर्जी, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया जनरल कैरियप्पा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एसपी सिन्हा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, फर्स्ट इंडियन पायलट जेआरडी टाटा, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल इज मिहिर सेन, कौन है जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, इज मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज इन फिजिक्स सी वी रमन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1927 के अराउंड इन्हें मिला था ये नोबल प्राइज। ये मुझे बताओ कि इनको नोबल प्राइज किस के लिए मिला था, किस चीज के लिए मिला, फिजिक्स में मिला बट क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसा क्या दिया फिजिक्स में जो इन्हें नोबल प्राइज दिया गया। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द सिविल इंडियन सिविल सर्विसेज सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन थे जो इन्हें पहला भारत रत्न मिला। अगर हम पहले फीमेल भारत रत्न की बात करें तो वो इंदिरा गांधी थी। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को पहले इंडियन थे, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नरेंद्र सिंह, फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड इज रीटा फरिया, ये क्वेश्चन एफ कैट में आ चुका है 2016 में। फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले ही बंदे ये भी थे जिनकी डेथ भी हुई थी ऑन ड्यूटी, मतलब जब ये प्रेसिडेंट थे तब। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बद्रुद्दीन तैयब जी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा लिख दिया शायद मैंने। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, दोबारा से आ गया ये, डॉक्टर जाकिर हुसैन। द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा,
मेजर सोमनाथ शर्मा, फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, शेरपा अंगद दोरजी, याद रखना है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, श्री शंकर कुरुप, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला था। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैगेसे अवार्ड, ए आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अमर्त्य सेन, 1999 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला ये वाला इकोनॉमिक्स के लिए। तो फर्स्ट इंडियन थे नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है यहाँ पर, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज इज सैफुद्दीन किचलू, याद रखना स्टालिन प्राइज सबसे पहला किसको मिला, सैफुद्दीन किचलू। हिस्ट्री में इनकी बात करेंगे, हिस्ट्री की जब क्लासेस हम यूट्यूब पर शुरू करेंगे तब इनकी बात करेंगे अच्छे से डीपली। द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन द सेंट्रल कैबिनेट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके नाम से काफ़ी सारे पार्क और इस समय रेलवे स्टेशन भी हैं। तो फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल ऑफिस, मैंने जैसे भी बताया डॉक्टर जाकिर हुसैनी थे। फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ INC डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑलरेडी डिस्कस किया पीछे भी। द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए याद रखना बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड नॉट फेस पार्लियामेंट, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म, मोरारजी देसाई, इन्होंने अपने रिजाइन दे दिया था। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देगा तो रिजाइन किसको देगा, जैसे अभी इसने बोला ना प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किसको देगा, इनके अपॉइंटमेंट तो कराता है प्रेसिडेंट पर रिजाइन किसको देगा ये तो मैं बताना है कमेंट में लिख के। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन, अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा, मतलब एक दूसरे को कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट देगा तो प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देगा तो वाइस प्रेसिडेंट को। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिसेस लीला सेठ, मिस फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुचेता कृपलानी, चीफ मिनिस्टर याद रखना, पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें मैं। फर्स्ट वुमेन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंचन चौधरी भट्टाचार्य, फर्स्ट वुमेन गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ स्टेट फ्री स्टेट सरोजनी नायडू, कौन सी उसकी थी, यूपी। फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कादम्बरी गांगुली, फर्स्ट वुमेन ऑनर ग्रेजुएट कामिनी रॉय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अभी तक किसी एग्जाम में नहीं देखे फिर स्टिल चीज़ें डाल दी हैं। फर्स्ट वुमेन IPS किरण बेदी, बहुत फेमस रही हैं, इस समय गवर्नर भी हैं ये। फर्स्ट वुमेन जज अन्ना चंदी, फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट मीरा साहिब फातिमा बीवी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट राजकुमारी अमृत कौर, बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही हैं अपने टाइम की है। फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर करम मलेश्वरी 2000 में, इन्हें अभी रिसेंटली वाइस चांसलर बनाया है अरविंद केजरीवाल ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स हरिता कौर दयाल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लो ये अपने आप ही आ गया एनी बेसेंट, मैंने इस क्वेश्चन तुमसे कमेंट में लिखने के लिए बोला था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित, UNGA की फर्स्ट प्रेसिडेंट रही है विजय लक्ष्मी पंडित। वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, सबको पता होगा। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली शानो देवी, पहली लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा बिशेंद्री पाल। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, दो बार संतोष यादव, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरती साहा इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, अभी हमने मैन का भी देखा था पीछे। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र नीरजा बानोत, इनके ऊपर मूवी बन चुकी है जिसमें सोनम कपूर ने रोल प्ले किया था, काफ़ी फेमस मूवी रही थी। पहली वुमेन जिन्होंने भारत रत्न मिला वो है इंदिरा गांधी। फर्स्ट जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला आशा पूर्ण देवी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया दोबारा से। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज इज मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। तो ये था फर्स्ट लिस्ट एक इंडिया की तरफ, इंडिया के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ऐसे भी हैं जो UPPCS और काफ़ी अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैंने उन्हीं को पिक किया है। तो उसको रिवाइज करना एक बार, PDF मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं लिख भी देता हूँ, IMA लव आर्मी के नाम से चैनल है, उसको जाके फॉलो करो, उसकी PDF तुम्हें चैनल पर मिल जाएगी,
वहाँ से डाउनलोड कर लेना, रीड कर लेना, और ये इम्पॉर्टेंट है अब तुम्हारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो पहले, इसको कोशिश करो कि इसको सुन के समझने की, देन अपने नोटबुक में नोट्स बनाओ, देन पीडीएफ तक जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।